क्लास 11th 12th स्टूडेंट, क्लास 11th 12th स्टूडेंट, वी स्टार्ट अवर टॉपिक, वी स्टडी अबाउट राइबोसोम टुडे। आज हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इज अ वन सेल सेल ऑर्गन, ये क्या है, एक सेल ऑर्गन, ठीक है। इट इज अ वन सेल ऑर्गन, सेल के अंदर जो है पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिक सेल ऑर्गन। राइबोसोम डू प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। राइबोसोम जो है सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन राइबोसोम के थ्रू बनाया जाता है। ओके, इसलिए इसको कहा जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज अ राइबोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जी पैलेट, जी पैलेट 1955। ये जी पैलेट ने 1955 में एनिमल सेल के अंदर फाउंड किया था और इसको सर्च किया या और डिस्कवर किया था। ओके, राइबोसोम रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। राइबोसोम हैव ऑल द सेल राइबोसोम सर्विसेज भी करता है, जो है मेन एसेंशियली रूप से पाया जाता है। राइबोसोम एक से ज़्यादा राइबोसोम जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे राइबोसोम एक एम आर एन ए के ऊपर, एक एम आर एन ए की लड़ी के ऊपर जो राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम की एक दो तीन चार पाँच इस प्रकार के राइबोसोम में जब जुड़ जाते हैं तो एक एम आर एन ए की स्ट्रेन पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हम लोग पॉली राइबोसोम कहते हैं, इसको पॉली राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो कैसे बनते हैं? राइबोसोम ज़्यादा निकालते हैं मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी ग्रेन्युलर कण के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये कण या ग्रेन्युल्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, बल्कि कैसे जनता की जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की आर एन ए की जो है वो प्रोसेस करती है। प्रोकैरियोटिक सेल में आर एन ए क्या करता है, राइबोसोम बनाने में भाग लेता है, तो या राइबोसोम से बनती है। इस तरह से यूकेरियोटिक सेल जो है, यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, बनती है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए के थ्रू बनती है और यूकेरियोटिक सेल में बाहर न्यूक्लियस के बनने की न्यूक्लियोलस के थ्रू बनती है। एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियोलस में बनती है, न्यूक्लियोलस के थ्रू बनती है या आरएनए के थ्रू बनती है और जो है यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस से जो है बनती। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर है ये राइबोसोम जो है वो बनते हैं। ओके, राइबोसोम की स्ट्रक्चर, राइबोसोम से जो टाइप है, जनरली राइबोसोम जो होता है 150 से 250 डिग्री एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है, राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है, एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में ये 30 डिग्री एंगस्ट्रॉम की होती है और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो लार्ज 50 डिग्री जो है एस की होती है, 30S और 50S। ये क्या होता है, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रत्येक यूनिट है जिसके हम सिस्टम की क्या कर सकते हैं जो है डिनोमिनेट करते हैं, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका कितने का होता है, 70S का होता है। तो 70S का पूरा डायमेंशन 70S का होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में
ओरिजिनल सेवन के लिए आपको मिलेगा। ओके,